हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज हम बात करेंगे हैज़ॉप के बारे में। हैज़ॉप क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हीरा हमने पढ़ा था, वैसे ही ये है हैज़ॉप। हैज़ॉप हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हैज़ॉप का मतलब होता है हैज़ार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है, कोई भी हैज़ार्ड है, कोई भी खतरा, उससे हम कैसे टैकल करना है। ठीक है, किस तरीके से हम उसमें और क्रिएटिविटी कर सकते हैं, किसी काम को करने के लिए सेफ्टी से हम उसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट उसमें कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हैज़ॉप। हर काम को हम थोड़े से चेंजेस लाएंगे तो वो और बेटर होगा और सेफ्टी के साथ हम उसे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हैज़ॉप जो है वो ये बताता है हैज़ार्ड ऑपरेबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, हैज़ार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी हम इसके बारे में कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो हैज़ॉप क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है हैज़ार्ड का पोटेंशियल कितना है, फेलियर कितने हैं, ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एक मैथड है, इसको प्रोफेशनली किसी भी काम को करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, इसमें इफ़ेक्टिवनेस दिखती है, टीम एफर्ट दिखते हैं कि आपने उस काम को करने के लिए ऑपरेटिंग मतलब किसी पर्सन को ऑपरेट करने के लिए उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं, आपने कैसे कंट्रोल मेजर्स किए हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंटेशन की है एज अ इंजीनियर। तो ये सारी चीज़ें हैज़ॉप में बताई जाती हैं। ठीक है, अब हैज़ॉप क्या है, क्या रिज़ल्ट निकलता है इससे, जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें कितनी सेफ्टी है, कितने हैज़ार्ड को हमने रिड्यूस किया वहाँ से, कितना हम उसको और क्रिएटिव बना रहे हैं, उसमें और सेफ्टी प्रिवेंट कर रहे हैं, ये सारा काम क्या है हैज़ॉप का। क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, ताकि और जो चीज़ें कर रहे हैं उन्हें हम कितना और सेफ्टी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हैज़ार्ड तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कितना हैज़ार्ड है, उसे कंट्रोल भी तो करना है ना, तो हम किस तरीके से उसमें इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके से हम उसमें और सेफ्टी ला सकें, इसके बारे में ये हैज़ॉप जो है वो वर्क करता है। अब क्या है हैज़ॉप, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, हैज़ॉप जो है वो एक सिस्टमेटिक टेक्निक है आइडेंटिफाई करने का, किसका कि पोटेंशियल ऑफ हैज़ॉर्ड कितना है। ठीक है, और उसको कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हैज़ॉप बेसिकली क्या है, हैज़ॉर्ड ऑपरेबिलिटी टेस्ट या स्टडी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है सबसे मेन चीज़ कि हम जब ऑब्जर्व कर लेते हैं हैज़ॉर्ड कितना है, उसके बाद हम उसे कैसे उस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, वहाँ से रिमूव कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, और हम उसमें कैसी क्रिएटिविटी और कर सकते हैं जिससे कि वो वर्क जो चल रहा है वो और ही सेफ्टी के साथ हो सके। ठीक है, तो ऑपरेबिलिटी इसमें यही करी जाती है कि उससे क्या हो, जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट उसमें देखा जाता है, क्वालिटी देखी जाती है, प्रोडक्शन रेट देखी जाती है और प्रॉफिट भी देखा जाता है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ सेफ्टी और उससे रिलेटेड हो, हैज़ॉप ये है कि जब हम देखते हैं हैज़ॉर्ड ऑपरेबिलिटी कर लेते हैं तो अब उसमें हम जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसमें हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, हमने क्रिएटिविटी क्यों की, क्यों हमने उसमें एब्जॉर्व करने के बाद उसमें क्रिएटिविटी की, ताकि वो कुछ नया हो, कुछ नया इम्प्लीमेंट आ सके। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, हैज़ॉप टीम होती है, एक हैज़ॉप टीम बनाई जाती है जिसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एक एलिमेंट देखा जाता है कि कहाँ जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कंसीडर किया जाता है उसके पैरामीटर, उसको देखा जाता है कि हम इसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फेलियर होना रोक सकते हैं। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हैज़ार्ड है, ये फेलियर पॉइंट है, उसके बाद हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ये उसके 3-4 पॉइंट होते हैं जिन पर हम एग्जैक्टली वर्क करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से वर्क किया जाता है। उस पर सबसे पहले हमें जानना होगा कि हैज़ार्ड क्या है, फिर उसके बाद ही हम उसका कुछ भी एक्शन ले पाएंगे कि हम इसे किस तरीके से और रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम उसको कम करें, किस तरीके से ऑपरेट करें उन चीज़ों को, इसके बारे में ये बताया गया है। हैज़ॉप इसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये एक स्टडी प्रोसेस रहती है जिसको हम पूरा फॉलो कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सेफ्टी के लिए ही नहीं, अपने ऑल ओवर वर्क प्लेस को एज अ प्रॉफिट के लिए भी हम देख सकते हैं, और उसमें अच्छी अच्छी नई नए इम्प्लीमेंट के लिए। तो ये जो हैज़ॉप है इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, पर हाँ इसमें क्या है, कुछ स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं हैज़ॉर्ड को लेकर है सबसे पहले ये चीज़, उसमें हैज़ॉर्ड ऑपरेबिलिटी
स्टडी रहती है, एप्रोबिलिटी टेस्ट रहता है कि कोई भी वर्क करे तो उसमें कितना हज़ार्ड है, कितना रिस्क है, कितना हम बेनिफिट हम उसमें गेन कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ रहती है। ठीक है, कोई भी जगह हो वहाँ ये तीनों चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, तो हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे उसमें इम्प्लीमेंट ला सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हज़ॉब जो है वो सेम हीरा जैसा है कि जब आपने देखा कि इस तरीके का हज़ार्ड है, फिर आपने उसमें क्या करा, उसको हटाने की कोशिश की। ठीक है, उसमें और क्रिएटिविटी की कि मतलब इस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, नहीं हो रहा तो फिर हमने उसे परमानेंटली ही वहाँ से हटा दिया। तो ये हज़ॉब जो है वो यही बताता है कि आपको पहले ऑब्ज़र्व करना है कि हज़ार्ड कितना है। जब आपने ऑब्ज़र्व कर लिया तो अब आपको देखना उसमें रिस्क कितनी है, अब रिस्क भी देख लिया, अब उसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो आज ही मैंने आपको हज़ॉब के बारे में बताया, हज़ार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी टेस्ट भी आप बोल सकते हैं। सो थैंक यू।